देखिए बच्चों, आज के इस टॉपिक को देखते हैं, हर्ट साउंड या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व। जो हर्ट में जो वाल्व होते हैं, जो ढक्कन होते हैं, उनके खुलने और बंद होने की प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि हर्ट चार चैम्बर का होता है, चार चैम्बर आप बना लेंगे। ये रहे हर्ट के चार चैम्बर, ये रहा राइट एट्रियम और ये रहा लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्कल और राइट वेंट्रिकल के बीच में तीन वाल्व लगे होते हैं, जिन्हें हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच दो वाल्व लगे होते हैं, जिनको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। वेंट्रिकल से एक पाइप जैसी संरचना निकलती है, जिसको आप कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइप जैसी संरचना निकलती है, उसको हम कहते हैं डार्सल एओर्टा, डार्सल एओर्टा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी और डार्सल एओर्टा के बीच चार चार वाल्व पाए जाते हैं, जिन्हें सेमीलूनर वाल्व कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेमीलूनर वाल्व कहा जाता है। वाल्व का खुलना प्रेशर डिफरेंस पर निर्भर करता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाल्व खुलते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए माना जाए, इसका प्रेशर मान लीजिए 100 mmHg है, इसका भी कितना है 100 mmHg है, इसका मान लीजिए आप 150 mmHg है, और इसका भी मान लीजिए 150 mmHg है। तो इसमें कितना है, मान लीजिए इसमें 250 और इसमें भी कितना है 250। ये प्रेशर डिफरेंस दिख रहा है 100 और 150 और 250। अब ये वाल्व का खुलना, अगर राइट आर्किल का ब्लड प्रेशर ज्यादा है इन कंपेरिजन टू राइट वेंट्रिकल, तो वाल्व राइट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ खुल जाएगा। अगर राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इस पल्मोनरी आर्टरी से ज्यादा है, तो वाल पल्मोनरी आर्टरी की तरफ खुल जाएगा और ब्लड फ्लो होकर के लंग्स की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर राइट आर्किल का ब्लड प्रेशर कम है और राइट वेंट्रिकल की ज्यादा है, तो वाल ये जो कस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व क्या है, बंद हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं वाल्व का खुलना किसी प्रकार का कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं करता है। जब वाल्व बंद होता है तब क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। जब बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तो एक लो इंटेंसिटी की आवाज निकलती है, बहुत स्लो आवाज निकलती है, चाहे बाइकस्पिड वाल्व हो चाहे ट्राइकस्पिड वाल्व हो, तो उसको हम कहते हैं LUBB, ऐसे भी लिखा करते हैं, और कभी कभी इसको LUBB इस तरह भी लिखा करते हैं। ये लो इंटेंसिटी की आवाज है जब बाइकस्पिड वाल्व क्या करते हैं, बंद होते हैं। और जब सेमीलूनर वाल्व बंद होते हैं, उस समय एक हाई इंटेंसिटी की आवाज निकलती है, जिसको हम डब ऐसे भी लिखा करते हैं और इस प्रकार भी लिखा जाता है। ये हाई इंटेंसिटी की आवाज है, ये तेज आवाज है, और ये क्या है, कम आवाज प्रोड्यूस करती है। तो ये हमारा जो वाल्व का खुलना या बंद होना, लब डब लब डब लब डब, ये हमेशा कंटिन्यूअस एक रिदम लय से चलता रहता है। अगर आप मॉडर्न डेज के बाद में कहा जाए, तो लड़के कहते हैं आई लव यू, लव यू का मतलब कहते हैं अपने हृदय से आवाज निकलना। अरे बेवकूफ, हृदय से आवाज निकलने का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा वाल्व क्या हो गया,
बंद हो गया, किसी की याद को बंद कर लिया तो आपने क्या कहा, लव, आई लव यू, लव यू। ये लव से बना है, एल ओ वी, ये मॉडर्न डेज की देन है, ये कोई शब्द होता नहीं, होता क्या है, एल यू वी, लव होता है। अब यहां पर देखिए हाई इंटेंसिटी की डब की आवाज है, तो देखिए प्रेशर डिफरेंस कितना है, देखिए कहां 100, कहां 150, कहां 250, तो इसका जब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, इसका प्रेशर ज्यादा है तो अधिक साउंड वाली प्रोड्यूस कौन करेगा, डब करेगा, आई मीन डार्सल एरोटा या पल्मोनरी आर्टरी हाई इंटेंसिटी की आवाज करेगा। और यहां पर प्रेशर डिफरेंस क्या है, कम है, लो इंटेंसिटी की आवाज निकालेगा। तो इस प्रकार लो एंड हाई इंटेंसिटी मिलाकर के लव ड्रफ्ट की प्रोसेस क्या करती है, कंप्लीट होती रहती है। इस प्रकार क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ वाल्व कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। याद रखिएगा कि वाल्व का खुलना किसी प्रकार कोई आवाज नहीं करता है, वाल्व का बंद होना ही हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी की साउंड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर अगला पॉइंट बताएंगे। थैंक यू।